नमस्कार दोस्तों, तांसी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का पराठा, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। इस पराठे को बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस प्याज के पराठे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। प्याज के पराठा बनाने के लिए मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए अब आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी आटा लिया है, इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। आप चाहे तो इसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, पर मेरी बेटी को अजवाइन पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस आटे में नहीं डाल रही हूँ। तो आप डाल सकते हैं अजवाइन। तो थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हाथों से ऐसे गूंथते हुए मसलते हुए इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हाथों से इसे मसलेंगे ऐसे, और इसे हम गूंथ लेंगे। जैसे रोटी का हम आटा गूंथते हैं, बस वैसा ही डो हमें बनाना है। ना ज़्यादा टाइट रखना है, ना ज़्यादा गीला रखना है। दोस्तों इस तरह से आप बनाइए प्याज का पराठा। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए आटा हमारा गूंथ चुका है, तो इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो 10 मिनट बाद हम एक चकला लेंगे और एक बेलन लेंगे। अब आटे को लेंगे और उसका हम एक पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए आटे का पेड़ा तैयार है, इस पर अब हम बर्तन लगाएंगे। ये देखिए, और हाथों से ऐसे मसलते हुए इसको हम गोल कर लेंगे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बस सेम वैसे ही गोल कर लेंगे। अब प्याज में हम थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालेंगे। दोस्तों प्याज में हम बाद में नमक डालेंगे, क्योंकि पहले ही डाल देंगे तो प्याज हमारा पूरा पानी छोड़ देगा, जिससे पराठा बनाना में बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए जब बनाएं आप पराठा, उसी वक्त प्याज में नमक डालें, उसको मिक्स करके इसमें हम भर लेंगे। अपने आटे का जो हमने गोला बनाया था उसमें हमने भर लिया है। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे कर घुमाते हुए अंदर की तरफ, देखिए अंदर चला गया प्याज हमारा। अब इसका हम ऊपर के भाग को ऐसे बंद कर लेंगे, ये देखिए घुमा देंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए देखिए बन गया, थोड़ा टैप कर देंगे हाथों से। अब इसमें हम परथन लगाएंगे। ये देखिए परथन लगाया, अब हाथों से ही थोड़ा हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए, जिससे प्याज चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाए। फिर से हम परथन लगाएंगे और इसे अब हम बेलन से पतला बेल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बेल जा रहा है, तो पतला बेलेंगे दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल टूटा नहीं हमारा पराठा। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है। जब भी आपको मन करे आप ये पराठा बना सकते हैं। अब इसे हम ऐसे उठाएंगे, तवा गर्म हो गया है हमारा। अब इसे हम डाल देंगे। आप इसे नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं, लोहे के तवे पे जो होता है उस पर ही बना सकते हैं, पर मैं इसे नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ। एक तरफ से सीख गया है हल्का सा, आप पलट देंगे इसको। पलट कर दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब इस पे मैं देसी घी लगाऊंगी, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड सनफ्लावर ऑलिव ऑयल कोई सा भी आप तेल लगा सकते हैं। मैं देसी घी लगा रही हूँ क्योंकि मैं ये अपनी बच्ची के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए तो देसी घी बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप भी अपने बच्चों के टिफ़िन में बना सकते हैं इसे, हस्बैंड के टिफ़िन में बना सकते हैं, आप खुद शाम के टाइम में अगर कुछ खाने का मन करे तो चाय के साथ आई से आप बना सकते हैं। तो उलट पुलट कर हम इस पराठे को अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। ये चारों तरफ से किनारों को अच्छे से दबा देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे। पतला ही बेलेंगे। आप चाहे तो प्याज में धनिया, हरा मिर्चा, कुछ मसाले डाल सकते हैं, बट मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को सिंपल ही पसंद है। आप चाहे तो धनिया पत्ता डाल सकते हैं, पैन डाल सकते हैं, कुछ मसाले डाल सकते हैं, इससे प्याज में और भी टेस्ट आ जाएगा। तो मैं सिंपल सा बना रही हूँ, तो इससे हम प्याज के पराठों को अच्छे से सेक लेंगे। उलट पुलट कर हम अच्छे से प्याज को क्रिस्पी कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से घी लगाते हुए। ये देखिए, तो इसी तरह हम अपने सारे पराठे सेक लेंगे। ये देखिए, भी पराठा हमारा क्रिस्पी हो रहा है। किनारों को अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे जिससे पराठा अच्छे से चारों तरफ से पक जाए। तो ये देखिए, ये भी पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो बीच में से काट लेंगे। पराठा हमारा बहुत ही गर्म है तो काटने में दिक्कत हो रहा है। आप ठंडा करके काटें, मुझे जल्दीबाजी है बच्चे के टिफिन के लिए, तो मैं गरम गरम ही काट रही हूँ। ये देखिए, पिज्जा के शेप में हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, बच्चों के टिफिन में हम ऐसे अरेंज कर देंगे पराठों को। इस तरह बच्चों को खाने में भी इजी रहेगा कि बच्चे एक एक पराठा उठाएंगे, सॉस में डुबो के खाएंगे, इससे उनके हाथ भी उतने गंदे नहीं होंगे और उनको खाने में भी आसानी रहेगी। तो ये देखिए, बच्चे के टिफिन में भी तैयार हो गई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, इस पराठा बहुत ही टेस्टी है। आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों के टिफिन में, हस्बैंड के टिफिन में। अगर आपको कुछ अलग खाने का मन करे तो चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ईजी रेसिपी है, 2 मिनट में बन जाता है। तो इसके साथ मैंने पिज्ज़ा सॉस दिया है, आप इसके साथ टमाटो केचप दे सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।